हेलो सर, मैं आपको फोन कर रहा था वो एसिडिटी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। क्या एज है आपकी? कलकत्ता। एज क्या? एज मेरा 39 है। और एसिडिटी कब से है? मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो तो आपका पिछले 5-6 साल से है। अभी एंडोस्कोपी करके दिखा गया कि मेरा इसोफेगाइटिस है। इसोफेगाइटिस एसिड जो है उसका रिफ्लक्स होकर ऊपर चला आ रहा है और जो बल्ब है उसका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोल के जो बल्ब है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए एसिड ऊपर आ रहा है। अभी दवा मैंने एलोपैथी दवा बहुत खाया, आयुर्वेद भी खाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आयुर्वेद में थोड़ा सा असर हुआ लेकिन वो बंद करने से फिर से आ जाता है। तो कल रात को मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा। अच्छा, एक मिनट, आपकी हाइट कितनी है? मेरा 5'8". और वेट? वेट है आपका 70 kg। आपका एक्सरसाइज रूटीन कितना है? कितना एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, मैं वॉकिंग करता हूँ डेली 50 मिनट और आपका आधा घंटा योगा करता हूँ। ये कब से कर रहे हैं? ये मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? सुबह उठ के खाली पेट 2 ग्लास पानी पीता था कल, आज से नहीं पिया। कब से पी रहे थे वो 2 ग्लास? वो बचपन से, मतलब पिछले 15-20 साल से। और उसके अलावा दूध वगैरह कुछ पीते हैं? नहीं, दूध तो मेरा हजम नहीं होता है इसलिए नहीं पीता हूँ। कब से नहीं पीते? दूध पीना बंद कर दिया आपका पिछले 10-15 साल। ओके, खाने के साथ पानी पीते हैं? खाने के साथ नहीं पानी पीता था। खाने के कितनी देर बाद पीते हैं? खाने के 3-4 घंटा बाद। और कितना? मैं दिन में 2 बार पानी पीता हूँ, मतलब मेरा प्यास उतना लगती नहीं मेरे को, इसलिए सुबह मैं 2 ग्लास पीता हूँ और शाम को ऑफिस से आने के बाद 2 ग्लास पीता हूँ। टोटल 4 ग्लास। इसके अलावा खाने के साथ या बाद में कभी नहीं? आप कह रहे 3-4 घंटे बाद पीते हैं, तो लंच के बाद 3-4 घंटे बाद वही शाम को ही पीते हैं? शाम को 2 ग्लास एक साथ पी लेता हूँ। मैं पूरा 2 लीटर खत्म करने का कोशिश करता हूँ। 2 लीटर पीऊँ पानी। कितना? 2 लीटर। नहीं, पर आप तो 4 ही ग्लास बोल रहे हैं ना। 4 ग्लास मतलब बड़ा ग्लास में 4 ग्लास, वो 2 लीटर हो जाता है उसमें। आधा लीटर का 1 ग्लास होता है? हाँ हाँ, बड़ा ग्लास में 2 ग्लास करके पीता हूँ। 2 लीटर नहीं होता तो 1.5 लीटर तो हो जाता है। ओके, एंड उसके अलावा लिक्विड में क्या होता है? फ्रूट्स वगैरह या कुछ और, या चाय? नहीं, चाय तो पीता हूँ बिना शक्कर की, बिना दूध की। कितने? वो आपका 6-7 कप दिन में होता है। अरे बाप रे, 6-7 कप? हाँ हाँ हाँ। तो वो किसी ने बोला नहीं कि वो मेन रीजन है एसिडिटी का? कोई नहीं बोला, बिना शक्कर के पीने से आपका एसिडिटी गायब हो जाता है इसलिए पीता हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। बिना किसी चीज के? बिना शक्कर के, मतलब बिना शुगर, विदाउट शुगर अगर आप पियेंगे तो उसमें एसिडिटी गायब हो जाएगा, ऐसे ही तो डॉक्टर सब ने बोला था। अब ये 5-6-7 कप चाय कब से पी रहे हैं? 6-7 कप चाय तो पिछले 1-2 साल से पी रहा हूँ, उससे पहले तो और भी ज्यादा, ऑफिस में तो और भी ज्यादा पीता था। कितना? 12-14 कप तो हो ही जाता था। और कप का साइज क्या होता है? कप का वो मिट्टी का जो भाड़ आता है ना, क्या अंदाजा में 200 ml के आसपास होगा? हाँ हाँ हाँ। ओके, फ्रूट्स आप कह रहे हो ज्यादा नहीं होता, फ्रूट जूस वगैरह भी ज्यादा नहीं होता, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह? कोल्ड ड्रिंक्स तो पीता नहीं हूँ। फ्रूट जूस मतलब फ्रूट्स में से जो विटामिन सी जिसमें रहता है, जो लेमन जितना है, ऑरेंज लेमन, वो खाता नहीं कभी, वो एसिडिटी हो जाता है। रात को रोटी नहीं खा पाता, रोटी खाने से एसिडिटी होता है बहुत। और मेरा जो पेट है ना, एसोफिगस जो है पेट का ऊपर जो है वो फूल चुका है पूरा, तो दवा लेने से जब एसिडिटी थोड़ा कम हो जाता है तो पेट अपने आप अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है एसिडिटी बढ़ने से। और आपका कपाल भाती चाय, बिल्कुल चाय तो बिल्कुल जीरो कर दो। चाय पूरा जीरो कर दो? हाँ, उससे सर दर्द वगैरह हो सकता है। अगर आपको सर दर्द, तो मैनेज, कभी सर दर्द होता है? सर दर्द होता है, हाँ हाँ, कभी कभी होता है। कितने बार होता है सर? हफ्ते में? हफ्ते में 2-3 बार। कितनी देर के लिए होता है? आपका रहता है 2-3 घंटे रहता है। यूजली किस समय होता है? शाम को होता है या दिन में होता है या रात को होता है? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब चाहे, मतलब धूप में अगर ज्यादा घूमा तो आ जाता है। आप रोटी कितना खाते हैं? रोटी तो मैं खाता नहीं, लेकिन खाने से तो मैं 7-8 खा सकता हूँ, लेकिन रोटी पूरा बंद कर दिया, रात को चावल लेता हूँ, उससे थोड़ा एसिडिटी कम रहता है। और बाकी क्या लेते हैं दिन में? क्या लेते हैं दिन में? आपका ऑफिस जाते टाइम सुबह 9 बजे चावल लेके चला जाता हूँ थके, और आपका दोपहर को मूढ़ी होता है ना, मसाला मुड़ी या ये वो सब डाल के दोपहर को लंच कर लेता हूँ, और शाम को लौटने के बाद चाय, 2 बिस्किट
और रात को आपका 11 बजे डिनर। रात को 11 बजे डिनर करते हैं, वापस कब जाते हैं घर? आते आते तो 9 साढ़े 9 बज जाता है। अब लंच ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट तो नहीं करता हूँ, सुबह उठ के तो 9-10 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, तो नहा धो के पूजा पाठ करके तो निकल जाता हूँ 10 बजे, वही उसी टाइम में मेरा लंच हो जाता है। दोपहर को मैं स्नैक्स लेता हूँ आपका, मूली वगैरह ये सब, और शाम को लौटने के बाद फिर से स्नैक्स। एक मिनट समझ गया, आप कह रहे हो ब्रेकफास्ट नहीं लेते और लंच भी नहीं लेते आप? लंच मतलब मेरे लिए वही लंच होता है ना सर, वो जो जब 10 बजे निकलता हूँ चावल वावल सब्जी सब खा के ही निकल जाता हूँ। हाँ वही मतलब वही ब्रेकफास्ट हो गया ना 10 बजे? हाँ वही ब्रेकफास्ट वही लंच है मेरे लिए। तो अप्रोक्सीमेटली अगर चावल को रोटी में कन्वर्ट करें तो कितना अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हम कितना आप खाते हैं? 3-4 रोटी के बराबर हो जाता है चावल? हाँ, 3-4 रोटी के बराबर। रात को भी 3-4 रोटी के बराबर हो जाता है? रात को मतलब चावल में ज्यादा खा नहीं पाता इसलिए थोड़ा कम ही होता है, 2 रोटी 3 रोटी के रात को कम होता है और सुबह ज्यादा होता है? सुबह भी कम ही रहता है क्योंकि चावल में अच्छा नहीं लगता खाने में। तो आप पहले क्या खाते थे, रोटी खाते थे? पहले रोटी बहुत खाता था, रोटी तो बहुत पसंद का चीज था मेरा। तो अभी रोटी खाना इसलिए बंद किया हुआ है एसिडिटी की वजह से कि आपको किसी ने बोला कि एसिडिटी हो तो रोटी मुश्किल होता है? नहीं, नेट पे पढ़ा था ना जो ट्रिगर फूड बोलता है वो लोग, जो खाने के बाद एसिडिटी बढ़ता है, तो मैं देखा रोटी खाने के बाद मेरा पेट फूल उठता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, इसीलिए रोटी खाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी बंद किया पिछले 1-2 साल से। कुछ खास फर्क पड़ा? नहीं कुछ खास असर नहीं, कुछ नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल से रोटी वोटी से कुछ नहीं होता, आप रोटी आराम से ले सकते हो। अच्छा। और 50-50 मिक्स कर सकते हो या रोटी 60-70% ले सकते हो, चावल कभी कभी ले सकते हो, दैट्स वन। सेकंड, 3 मील्स रखने की कोशिश करो एंड इक्वली स्प्रेड, एवरी मील शुड हैव अ गैप ऑफ अबाउट 5-6 आवर्स। स्नैक्स सारे बंद कर दो, देयर शुड बी ओनली 3 मील्स इन अ डे। 3 मील्स इन अ डे? या एंड 1 आवर वॉक एंड रेस्ट इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर बिफोर स्लीप इफ दैट्स पॉसिबल। अच्छा, 5 मिनट का जो रेस्ट है, 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट। हाँ, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट। अच्छा सर, और एक चीज पूछना था आपसे, मैं थोड़ा ऑयली खाना जब घर में पकता है वो खाने के टाइम में पानी पी सकता हूँ? मतलब मतलब पी सकते हैं, बट होता क्या है कि जब आप ऑयली खाते हैं साथ में पानी पीते हैं तो आपका जो कंटेंटमेंट है वो नहीं होता, तो आप ऑयली के साथ में पानी बहुत ज्यादा पी जाते हैं। जैसे कुछ ऑयली खा रहे हैं तो 2-3 गिलास हो जाता है, बट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर फ्लूइड इनटेक विद मील्स टू ओनली 1 ग्लास एट ए टाइम। तो अगर आप ऑयली खा रहे हैं और उसको 1 ग्लास तक रेस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं देन इट्स ओके, नॉट अदरवाइज। अच्छा, उसमें एसिडिटी नहीं होगा ना? होगा तो भी मैनेज हो जाएगा। फिलहाल तो आप एक कोशिश करो, पहली चीज अभी आप छुट्टी कब होती है आपकी? सैटरडे संडे को होती है? संडे छुट्टी रहता है। संडे को आपका रूटीन क्या होता है, घर पर ही होते हैं या घूमने फिरने जाते हैं? नहीं, संडे मेरा रूटीन है, ज्यादातर घर में ही रहता हूँ। ओके, सी आई डोंट नो बट आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद वन थिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज, सो मे बी इट्स टू अर्ली फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट ऑन दैट राइट नाउ। अभी आप क्या करो कि नेक्स्ट 7-8 डेज आप खाने के साथ 1 गिलास पानी पियो, 3 मील्स लो, उसके अलावा सारा एलिमिनेट कर दो, नो स्नैक्स, नो टी, नथिंग। अच्छा, रोटी, राइस, सब्जी, दाल। आप नॉनवेज लेते हैं? नॉनवेज लेता हूँ। हाँ, तो कितना फ्रीक्वेंटली लेते हैं? ओके, वो मछली खाता हूँ दोपहर को लंच के टाइम में। एवरीडे ऑलमोस्ट एवरीडे। ओके, नॉट एवरीडे, 5-6 डेज अ वीक। ओके, ठीक है, तो आप वो लेते रहिए। और बाकी चिकन और मटन नहीं लेते आप? यूजली फिश होता है। चिकन कभी कभी लेता हूँ, मटन तो बंद कर दिया एसिडिटी की वजह से। ठीक है, सो दैट्स ओके। सो दीज 5 थिंग्स कैन कंटिन्यू, रोटी, राइस एंड दाल सब्जी एंड मछली एंड चिकन, राइट? रात को अगर राइस नहीं खाएंगे तो चलेगा सर? हाँ, चलेगा, परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खा सकते। मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, कल रात को मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा तो आज सुबह मैंने पानी पीना बंद कर दिया, नींद से उठने के बाद जो पानी पीता था वो बंद कर दिया, तो आई हैव सीन अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑफ दैट। क्या क्या उसमें एक बहुत अच्छा से सुधर आया, आज पानी नहीं पिया पूरा दिन, दोपहर को खाने के टाइम में पिया था, आज मैंने छुट्टी था, घर में था मैं, तो जब लंच किया उस टाइम में 1 ग्लास पानी पिया था, और प्लान है रात को डिनर के टाइम में 1 ग्लास पियेंगे, तो आज ही के अंदर मेरा 70% प्रॉब्लम गायब हो गया। सी, ये जो 70% आपको फील हो रहा है ना, ये सिर्फ फील हो रहा है, 70% होता नहीं है, परसेप्शन होता है। अगर आप किसी चीज से परेशान होते हैं ना तो आपको अगर 30-40% भी रिलीफ मिलता है तो आपका माइंड उसको ऐसे परसीव करता है जैसे वो 100% हो गया।
अच्छा तो आई एम गेटिंग दिस फीडबैक। फिर उसके बाद सभी के सभी लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं कि 2 दिन बाद बोलेंगे कि नहीं वो अभी ज्यादा परेशान हो रहा है। तो वो बेसिकली होता गया है कि आपको 50-60% तक रिलीफ मिल जाता है 1-2 दिन में, या आप 40 मान के चलो, और ये मान के चलो कि आपको 3 से 6 महीने लगेंगे इसको पूरा ठीक होते हुए। अच्छा, 3 से 6 महीने तक मेरा रूटीन क्या रहेगा, पानी कैसे पियेंगे? अगर आप 3 से 6 महीने का रूटीन बोलते हैं तो ब्रॉडली ये रहेगा कि खाने के साथ पानी पीना है, पूरे दिन में 3 गिलास पानी पीना है, ठीक है, पूरे दिन में 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज 3 ग्लास ऑफ वाटर, 1 विद ईच मील, 1 विद ईच मील। नेक्स्ट 3 डेज 3 ग्लास ऑफ वाटर, ओनली थिंग इज यू विल चेंज द टाइम टू 1 ग्लास ऑफ वाटर 1 आवर बिफोर ईच मील। अच्छा, 6 डेज 3 डेज दैट 3 डेज दिस। अच्छा, 7th day ड्रिंक ऑलमोस्ट 2.4 लीटर्स ऑफ वाटर, 200 ml वाटर एवरी आवर। अच्छा, 200 × 12 2400 ml। अच्छा, एंड 8th day कम्प्लीटली गिव अप द वाटर। अच्छा ठीक है, ये रूटीन करने से आप 2-3 बार चलाएंगे तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। उसके अलावा जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि शायद आपको एक ही दिन में और ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिल जाए, बट दिस इज ऑन टेस्टिंग बेसिस, जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से। वन डे इन ए वीक आई एम नॉट ड्रिंकिंग और ईटिंग एनीथिंग, फूड भी और वाटर भी, मतलब नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट इवन ए ग्रेन। अच्छा, एंड आई डू वॉक एंड रेस्ट कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे, सो 36 आवर्स ऑफ नो फ्लूइड नथिंग। इसमें क्या होता है कि यू कंजर्व लॉट ऑफ एनर्जी, एंड जितना भी आपका एनर्जी स्टोर्स होता है उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं, आपका जो वाइटल ऑर्गेन्स का फंक्शनिंग होता है वो इम्प्रूव कर जाता है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो फर्स्ट टारगेट शुड बी कि आपका जो हेडेक होता है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हेडेक का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए वाइटल ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग के लिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, और वो नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता रहेगा, कुछ भी होगा यू विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहता भी है तो भी द फर्स्ट थिंग शुड बी दैट देयर शुड बी सफिशिएंट एनर्जी इन द बॉडी, सो दैट आपका जो बॉडी का हेल्थ का नेगेटिव स्लाइड हो रहा है वो स्लाइड नेगेटिव रुक जाए। सो वॉक एंड रेस्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना, आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाना, सो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी फॉर योर वाइटल ऑर्गन्स शुड गो अप, राइट। नहीं तो ये 2 एम होते हैं दोनों चीजों के लिए, पानी का जो फ्लक्चुएशंस है उसका भी यही एम है, जो वॉक एंड रेस्ट है उसका भी यही एम है, और जो थर्ड है कम्प्लीटली कुछ नहीं खाने का, उसमें एक मेजर गेन करने का होता है कि अगर आपको ब्लोटिंग या कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है तो वो आपका 36 घंटे में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आप 36 घंटे कुछ खाते पीते नहीं है और वॉक एंड रेस्ट करते हैं, अगर आपने 36 घंटे कुछ नहीं खाया पिया और ये सोच के कि आप कुछ खा पी नहीं रहे इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम होगा और आप लेट जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। आपको लेटना नहीं है, वॉक एंड रेस्ट करिए, सुबह उठकर 1 घंटा, उसके बाद दोबारा 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट कर लीजिए, सो जाइए, फिर दोबारा 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करो, फिर 1 घंटा आप सो जाओ रेस्ट कर लो, तो ऐसे करके आप अल्टरनेट करते रहेंगे तो आपको सर दर्द नहीं होगा, आपको फटीग नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा एंड आपका मूड भी ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसको, एक दिन आपने नहीं खाया कुछ पिया तो उसको मत कंसिडर करिए, आप नॉर्मल मील लीजिए, 2-3 रोटी के करीब लो रखिए, और उससे क्या होगा कि जो भी आप खाना खाएंगे उससे जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, चाय इज द ओनली थिंग विच इज कॉजिंग द मेजर प्रॉब्लम, आपका जो चाय होता है चाय का इंटेक की वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ब्लड के, और धीरे धीरे आप 6-7 या 10-12-14 की बात जो कर रहे हैं उसका मतलब है कि इट्स ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसको ठीक होते होते हो सकता है आपको 6 महीने से भी ज्यादा लग जाए, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन इज टू लो, और आपका हफ्ते में 2-3 दिन सर दर्द होता है इसका मतलब है कि आपके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो सारे के सारे जो फंक्शंस और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेन्स के बीच वो बिगड़ जाता है। अच्छा, सो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट टाइम आप इसमें लिबर्टीज भी ले सकते हैं, जैसे कहीं आपको पार्टी वार्टी में जाना है तो कुछ एक्स्ट्रा या कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा सीरियस नहीं होता। कोशिश ये रहना चाहिए कि 7-8 दिन के अंदर मोरलेस 6 दिन तो आप कम से कम रूल्स के हिसाब से चलें, एक दो दिन इधर उधर हो जाता है तो भी चल जाता है। अच्छा, लेकिन मेरा दिन में तो 3 मील्स नहीं रहता है सर, 2 मील रहता है लंच डिनर और बीच में एक बार चाय वाय पीता हूँ तो... चाय वगैरह को तो बंद कर दो, और अगर आप चाय को बंद करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री एंड यू विल स्टार्ट ईटिंग मोर, एंड उसको मोर को करने की जगह में उसको 3 मील्स रखेंगे तो अच्छा है, बिकॉज हमारा जो डाइजेस्टिव साइकिल होता है वो 5 घंटे का होता है, 5-6 घंटे का। अगर हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ब्रेक करने से आपका वो एसिडिटी होता था मेरा, अभी मतलब
ब्रेड ब्रेड आपका जो ब्राउन ब्रेड होता है, हाँ, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप चाय बंद करते रहेंगे आपका एसिडिटी सब्सटेंशियली कम होता रहेगा। अच्छा, कम क्या करना है उसको, उसका चाय का क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जब आप चाय छोड़ेंगे तो शायद आपको सर दर्द ज्यादा पड़ जाए। अच्छा, और फटीक भी होगा, आपको दर्द भी होगा, बॉडी पेन भी हो सकता है। तो वो जो होता है वो 3 to 7 days होता है, पर अगर आप वॉक एंड रेस्ट साथ में करेंगे तो हो सकता है वो और कम हो जाए 2-3 दिन। तो आपको 2-3 दिन के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा उसको, उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। उसके बाद सारा एक साथ छोड़ देंगे अच्छा रहेगा। अगर आप कम करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है आपको पूरा महीना भर तंग करें, थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे तो एक ही बारी में छोड़ दीजिए उसको, एक ही बारी में छोड़ देता हूँ। और सर मैं स्मोक करता हूँ, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा ना? स्मोक से होता तो बहुत कुछ है, बट आप कितनी करते हो? मैं दिन में 20 सिगरेट। माय गॉड, जब आप ये करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो हो सकता है आपको कोशिश करो 10 पर आने की, और फिर उसके 10 पर तो एकदम सीधा आने की कोशिश करो 10 पर आने के बाद में, क्योंकि आप जो ये सिस्टम करोगे आपको एनर्जी मिलेगा, तो स्मोक भी आपको लो एनर्जी के टाइम पर ही चाहिए होता है। अच्छा, तो आपका रिक्वायरमेंट होपफुली कम हो जाना चाहिए, आपका 10 सिगरेट में ठीक ठाक काम चल जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप हर हफ्ते में 1-1 सिगरेट कम करते जाइए, तो मे बी 10 वीक्स में आपका वो सिगरेट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इट विल टेक 3-4 मंथ्स एंड तब तक आपका एसिडिटी भी मैनेज हो जाएगा। इफ यू आर डिटरमिन्ड टू बी हेल्दी तो दैट इज अ बेटर अप्रोच रादर देन गिविंग अप स्मोकिंग कम्प्लीटली। आप एक साथ छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ेंगे तो आप मैनेज नहीं, जो भी रूटीन बता रहा हूँ वो भी मैनेज नहीं होगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हमेशा टेपर ऑफ करना ठीक रहता है, बट आई थिंक 20 से 10 पर आ सकते हैं, 15 पर जितना भी आ सकते हैं लोएस्ट, वो आप थोड़े छोटे पीरियड में आ जाइए, उसके बाद में फिर उसको 1-1 सिगरेट कट ऑफ करते रहिए। मतलब एक वीक में जैसे 10 पीरियड, नेक्स्ट वीक में 9 कर दीजिए, फिर 8 कर दीजिए, ऐसे करके टेपर ऑफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा, और सर मैं जो नींबू वगैरह जो खाता नहीं हूँ, मतलब ऑरेंज या लेमन, ये सब चलेगा मेरा, मतलब विटामिन सी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो अभी तो आप ये जो चाय का साइड इफेक्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करो पहले। अच्छा, तो आप ये रूटीन पर चलोगे तो हो सकता है चाय का साइड इफेक्ट जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। एक बार आप इसको मतलब थोड़ा सा चलो, इसको 2-4 दिन करो, तब आपसे पता चलेगा कि आपका चाय आपको कितना परेशान कर रही है। पहले चाय का तो इम्पैक्ट पता लगे ना कि कितना परेशान होंगे चाय छोड़कर। अच्छा अच्छा, पहले वो समझाया था। एंड यू कैन कॉल अप डेली बेसिस पर कुछ दिन के लिए, तो डेली कॉल करके मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आपको कितना दिक्कत हो रही है, और जो दिक्कत होगी उसको कोशिश करेंगे मैनेज करने की, वो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मतलब मैं आजकल अभी दिन में 3 ग्लास पानी पीऊं और जो 3 मील स्लो, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू।